एडिटिंग क्या है? मेरे हिसाब से एडिटिंग एक आर्ट है, एक कला है और एक अपने हाथ का एक कमाल है और आपकी सोच है। हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत सक्सेना, वेलकम बैक टू द चैनल एनएस व्लॉग्स। तो यानी कि आप क्या सोचते हो और क्या बनाते हो? जो मन में होता है कि ऐसा होना चाहिए, काश ऐसा, अगर मतलब मैं अगर आता ऐसे और हिस्ट्री ऐसा होता तो उसमें क्या क्या सीन एडिट होता, तो ये एक आर्ट है, आपकी सोच है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आपका वीडियो कैसा एडिट होगा। किसी भी YouTube चैनल का सबसे बड़ा ग्रोथ करने का रीज़न होता है कि उसका स्टोरी और उसका एडिटिंग। तो एडिटिंग से पहले तो आपकी स्टोरी बढ़िया होनी चाहिए और एडिटिंग तो उसके बाद है, लेकिन आपका स्टोरी, इसलिए स्टोरी इज़ द किंग। सबसे पहले तो आपको अपने स्टोरी पे फोकस करना होगा, उसके बाद आपको अपने वीडियो शूटिंग पे फोकस करना होगा, फिर आती है एडिटिंग पे, उसके बाद आती है एडिटिंग। क्या समझ? अभी कोई वीडियो शूट करता हूँ उसमें सबसे मेन जो मेरा मोटिव होता है वो होता है कि स्टोरी कन्वे करना, यानी कि बिना स्टोरी के कोई भी वीडियो, कैसा भी वीडियो हो, वो आपका हिट नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैं सबसे बड़ा है स्टोरी कन्वे, फिल्म मेकिंग हो या कोई भी चीज़ मैं देख रहा हूँ, किसी भी चीज़ में आपका सबसे बड़ा जो मोटिव होता है वो स्टोरी का ही होता है। तो स्टोरी इज़ द किंग। कहा जाए तो मुझे भी उतनी अच्छी एडिटिंग नहीं आती है, बस मैं तो फ़ोन से ही करता हूँ, लेकिन मैं आपको उतना बताऊंगा जितना मैं खुद करता हूँ अपने वीडियो के एडिट में, और जितना बढ़िया तरीका है वो बेस्ट तरीका है काइन मास्टर से एडिट करने का, वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं भी अभी एडिटिंग सीख ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा आप कैसे एडिट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं फ़ोन में और वहाँ से एडिट शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपना फ़ोन ऑन करना है, उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है काइन मास्टर, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो अगर अपने वीडियो में मैं अगर ज़्यादा सिनेमैटिक्स मतलब ऐड करता हूँ तो उसके लिए मतलब मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि अप्रॉक्स वही 3 घंटे मैक्सिमम लगता है। मेरे पास लैपटॉप भी है, उसमें मैं फिल्मोरा इंस्टॉल कर चुका हूँ, लेकिन उसमें मुझे एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता है और वो मेरा जो लैपटॉप है वो उतना सक्सेस नहीं है, तो इस वजह से उसमें काफ़ी अच्छे से सपोर्ट नहीं करता। तो चलिए फिर काइन मास्टर को ओपन करते हैं और एडिट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4 कॉलम बना हुआ, उसमें से आपको सबसे पहले मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपको जाना है उस फाइल में जिस फाइल में आपने वीडियोस रिकॉर्ड करके सेव किया है। तो मेरा यहाँ DCIM कैमरा में है, ज़्यादातर सभी के फ़ोन में इसी फाइल में होते हैं, तो आपका जो फाइल रिकॉर्ड हुआ है वो वहीं से आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको वो वीडियो सिलेक्ट करना है जो मतलब जो वीडियो आप वीडियोज़ में रखना चाहते हो। तो मैं सिंपली ये सब वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सभी सिलेक्ट हो गया। अब बात आती है यहाँ पे एडिटिंग की, तो यहाँ से हमारी एडिटिंग शुरू होती है कि अब अगर आप पूरे दिल और मन से एडिट करते हो तो आपका वीडियो जरूर एडिट होगा, एकदम बढ़िया से एडिट होगा। आपको ये ऐसा नहीं करना कि आपको ये काम है आपके पास, बस आपको बाहर नहीं डालना, बस आपको ऐसा फील करना है कि ये मेरा पैसन है और मुझे ये एडिट करने में अच्छा लगता है, इसमें क्या नया होगा, क्या क्या मैं डालूंगा इस वीडियो के अंदर, वो सब आपको अगर सोच लेना है, फिर उसके बाद आप अपने से जितना बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हो वो आपको देना है, बस मेन चीज़ यही है। तो सबसे पहले आपको ट्रिमिंग करना है, तो मैं सबसे पहले किसी वीडियो में ट्रिम करता हूँ कि जो फालतू का जो पार्ट्स है, जैसे कि कुछ मिस्टेक वगैरह है या फिर जहाँ पे मैं रुक गया हूँ वीडियो में, वो सबको मैं सबसे पहले हटाता हूँ। तो देखिए कैसे वो ट्रिम होता है। सबसे पहले आपको प्ले करके देखना है कि कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे गड़बड़ है। देखिए यहाँ तक मैंने 1 शॉट्स में कंप्लीट किया वीडियो, और उसके बाद फिर मैंने पॉज के लिए बटन को ऐसे हाथ मतलब बटन प्रेस करने गया यहाँ से, तो इतना दूर मेरा फालतू का पार्ट है। तो के बाद मैं इसको कट करूँगा, तो कट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है वीडियो पे, और ये जो कैंची दिख रही है आपको कैंची पे जाना है, और कैंची पर क्लिक करने के बाद स्पिल्ड एट प्ले हेड इस पर अगर क्लिक करोगे तो ये बीच से जहाँ पर ये आपका जो ये वाला लाइन है वहाँ से आपका ये कट हो जाएगा। तो ये मेरा फालतू का पार्ट है, तो इसको हम हटा देंगे। तो डिलीट करने के लिए आपको सबसे लेफ्ट में जाना है, यहाँ इस साइड में डब्बा दिख रहा होगा डिलीट बटन का, तो इस पर क्लिक करना है, डिलीट हो गया। तो आप देखते हैं तो ये तो हो गया यहाँ तक। तो के बाद उसके बाद काफ़ी गर्मी है, तो थोड़ा सांस वांस लेने के लिए मैं यहाँ पे रिलैक्स फील कर रहा हूँ, तो ये पार्ट भी यहाँ तक। तो फिर यहाँ पर तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ से इधर का जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो बेकार पार्ट है, तो उसको मैं सबसे पहले हटाता हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप घबराइए मत, अगर एडिटिंग है तो लंबा तो होगा ही वीडियो, क्योंकि मैं इसमें पूरा ट्यूटोरियल बता रहा हूँ। ये देखिए, तो अगर यहाँ पे आपको अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ पर आप ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं, ट्रांजिशन जो होता है, तो वो ऐड करने के लिए आपको सिंपली जाना है ये जो जोर वाला जो बटन है ये इस बटन पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर ट्रांजिशन देखने को मिलेगा इफेक्ट। तो आप यहाँ से बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट दिए गए हैं काइन मास्टर के द्वारा, वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप और चाहते हैं तो गेट मोर पर क्लिक करके नीचे जो है उस पर नेट से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारे जो अच्छा लगा वो मैं लोड मतलब कर चुके हैं पहले से ही, तो इसमें से मैं एक इफेक्ट डालता हूँ आपको दिखाता हूँ।
तो ये तो ट्रांजिशन इफेक्ट है, और उसके बीच में आप कुछ साउंड इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो जिससे थोड़ा लगे कि हाँ फिल्म है, यानी कि थोड़ा लगे कि सिनेमैटिक है। तो अब जाना है आपको यहाँ पर लाना है ये जो लाइन है उसको, और उसके बाद जाना है ऑडियो में। ऑडियो में जाने के बाद SFX एसेट्स में जाना है, यहाँ से आप गेट मोड करके भी डाउनलोड कर सकते हो। ये जो आपको फाइल दिख रहा है इस राइट साइड में, वहाँ से मैं आपको ड्रामेटिक साउंड इसमें डालता हूँ। कलर फिल्टर भी मायने रखता है किसी भी वीडियो के लिए, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जाना है कलर फिल्टर, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। सिनेमैटिक के लिए तो ये सही रहता है, ये जो अभी मैंने यूज किया, बाकी मैं नॉर्मली यही रखता हूँ। तो इसमें मैं सिंपली यहाँ पर जाता हूँ कलर एडजस्टमेंट, और इसको मैं सबसे जो तीनों में सबसे जो राइट साइड का है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो आप देखिए, तो ये कलर एडजस्टमेंट का जो कलर ग्रेडिंग है वो सही लग रहा है। तो एक चीज़ और मैंने रखते हैं यहाँ पर कि अगर आपके फ़ोन से आप रिकॉर्ड करते हो और आपके पास यदि माइक नहीं है, माइक लगाकर अभी मतलब आपने रिकॉर्डिंग किया है, तो उसके लिए आपको वीडियो पर क्लिक करना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो साउंड का दिख रहा है लोगो, इस लोगो पर क्लिक करके कंपोजर जो राइट साइड में दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, जिससे आपका साउंड थोड़ा ज़्यादा लगता है, यानी कि ऐसा लगेगा जैसे कि आप माइक से रिकॉर्ड किए हो। तो इससे डिफरेंट होता है थोड़ा साउंड। तो मैं सभी वीडियोस में ये इफेक्टिव साउंड का जो कंपोजर है उसका साउंड थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसमें अगर आप धीरे से भी बोले हुए हो किसी भी वीडियो में तो ज़्यादा मतलब साउंड थोड़ा लाउड हो जाता है। तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सभी में ऐसे कंपोजर एक्टिवेट कर लो। अब आती है बात म्यूज़िक की, क्योंकि म्यूज़िक के बिना आपकी वीडियो अधूरा है। वैसे भी बॉलीवुड में म्यूज़िक यानी कि गाना हिट तो पिक्चर सुपर हिट, वैसे ही इसमें भी वही सेम डायलॉग लागू होता है कि म्यूज़िक हिट तो वीडियो हिट। तो आपको म्यूज़िक सबसे पहले सुनना है, अच्छी कोई भी अच्छी वाली म्यूजिक, आप नो कॉपीराइट ऑडियो लाइब्रेरी ये सब में यूट्यूब पर सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड करके सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी गुड म्यूज़िक। तो मैं तो ऑडियो लाइब्रेरी आपको रिकमेंड करूँगा, वो वहाँ का जो म्यूज़िक होता है वो काफ़ी अच्छा म्यूज़िक होता है, और उसका साउंड जो इफेक्ट होता है वो भी काफ़ी मस्त होता है और सबसे हटके होता है। तो एक आपको म्यूज़िक सेलेक्ट करना है, पहले तो आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद ऑडियो में जाना है। ऑडियो में जाने के बाद यहाँ से सॉन्ग में म्यूज़िक जाना है, और जो आप डाउनलोड कर चुके हैं वो आप देखिए। अगर किसी आपने देखा होगा कई बार मतलब फिल्म में कि जब कोई आदमी बात कर रहा है, यानी कि दो व्यक्ति जब बात कर रहे हैं किसी मूवी में, तो उस टाइम पे काफ़ी स्लो म्यूज़िक होता है बैकग्राउंड म्यूज़िक, और जब कोई हीरो या फिर कोई विलेन की एंट्री होती है या कहीं पे हीरो थोड़ा डायलॉग वगैरह मारता है, तो उस टाइम में थोड़ी म्यूज़िक हार्ड यानी कि लाउड थोड़ा होता है। तो वैसे यहाँ पर आपको स्लो ऐड करना है, और यदि आप कहीं बाहर जाते हो, घूमे जाते हो, थोड़ा स्टाइल ड्रेसिंग दिखाते हो, या फिर आपकी जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में एंट्री वाला वीडियो दिखाया था, तो उसमें थोड़ा म्यूज़िक थोड़ा मेरा लाउड था, तो वैसे यहाँ पर भी करना है आपको, थोड़ा स्लो म्यूज़िक इसमें ऐड करना है। तो आप ऑडियो लाइब्रेरी या फिर नो कॉपीराइट साउंड जो होता है ब्लॉग का, वहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा म्यूज़िक आपके लिए सही होगा। उसके बाद तीन चार म्यूज़िक आपको डाउनलोड कर लेना है, और वो उसमें से आप किसी एक को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं बजाकर, पहले मतलब क्लिक कर सकते हो, और जो आपको अच्छा लगे वो आप। तो यहाँ पर आपको साउंड 25 से 30 के बीच में रखना है। अगर आपका वीडियो का साउंड थोड़ा लाउड है तो आप 30 रख सकते हो, और आपका अगर वीडियो में अगर ऑडियो का इफेक्ट साउंड जो है वो थोड़ा स्लो है तो आप 25 से नीचे भी रख सकते हो या 25 के ऊपर भी रख सकते हो, वैसे आप लेकर के अपने मुताबिक भी रख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। यहाँ तक तो था ऑडियो का सेटलमेंट। फिर आपको यहाँ पर एक चीज़ और करना है कि अगर आपको कहीं पे वीडियो में साउंड ज़्यादा या कम लग रहा है, तो वहाँ पर आप इस म्यूज़िक को कट करके साउंड बढ़ा भी सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से मतलब मुझे ये वीडियो में थोड़ा साउंड कम लग रहा है और ऑडियो ज़्यादा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर इस म्यूज़िक पर क्लिक करता हूँ और ट्रिम पे जाता हूँ। ट्रिम पे जाने के बाद स्पीड एट प्ले करके यहाँ से मैं थोड़ा इस साउंड को जो 25 से 20 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप कर सकते हैं। उसके बाद अब बात आती है सिनेमैटिक शॉट्स की, जो कि सबसे मेन पॉइंट है मेरे लिए और आपके लिए भी शायद, क्योंकि हर वीडियो में सिनेमैटिक ही मायने रखता है। अगर आप ब्लॉग क्रिएटर हो या आप फिल्म मेकर हो, कुछ भी हो, तो आपके लिए सिनेमैटिक शॉट्स बहुत ही मायने रखता है। अगर आपका ट्रैवल चैनल है, मोटो ब्लॉग का चैनल है, कुछ भी चैनल है, तो उसके लिए आपको सिनेमैटिक्स तो डालना ही डालना है, क्योंकि उसके बिना तो मज़ा नहीं आता। और आप हर वीडियो अगर आपका मान लो 10 मिनट का है, तो उसमें आप हर एक मिनट के गैप में एक सिनेमैटिक ऐड जरूर करना, ये मेरा सजेशन है आपके लिए। तो अब बात आती है सिनेमैटिक्स एडिट करने की। सिनेमैटिक्स एडिट करने के लिए सबसे पहले आपका जो बेस्ट तरीका है वो आपको अपने वीडियो से ऑडियो हटाना है, यानी कि जैसे कि ये वीडियो है, तो सबसे पहले आपको इसमें से ऑडियो निकाल देना है, जीरो करना है। उसके बाद आती है कलर ग्रेडिंग की, तो आपको इस पर क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन सा बेहतर होगा फिल्टर। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तो मेरे लिए ये सही लग रहा है, हाँ ये सही है। तो ये सही है, आप देखो आप, तो ये तो हो गया कलर ग्रेडिंग और साउंड। अब आती है बात इसकी कटिंग की,
तो सिनेमैटिक में आप हर मतलब आपको मैं बताता हूँ, आप वीडियो पर क्लिक करना और ये जो कैंची वाला साइन है उस पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ से आप शुरू करना और जहाँ पे जो स्पील टाइट हेड का जो लोगो है ये अगर वाइट हो जाता है, जैसे कि देखो आपको वाइट होगा, अरे हो जाए यार कितना बड़ा है, देखो यहाँ पे ये वाइट हो रहा है हो जाता है, तो इस वाइट वाले पे क्लिक करना है और ऐसे आपको आना है, फिर आपको वैसे ही करना है, ठीक है, फिर आपको ऐसे आना है, फिर वाइट पे जाना है, फिर आपको ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर आपको ऐसे वैसे आपको करते जाना है जितना बड़ा वीडियो सब में। तो ये देखिए तो मैंने यहाँ तक तो ले आया, तो ये पार्ट मुझे अभी से फालतू लग रहा है, तो इसको मैं हटाता हूँ। ये मैं कैमरा मतलब फ़ोन को रख कर शिफ्ट करके मैं वापस से जाकर थोड़ा सीन देने जा रहा हूँ, वो देखिए ये सही है, अब मैं वापस से आऊँगा, ये देख लो, तो यहाँ तक तो हो गया ये। उसके बाद आपको ये जो मैंने कट किया है उसका सभी पार्ट में से अब बीच में एक एक पार्ट को हटा देना है, जैसे कि ये वाला इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर ये वाला इसको भी डिलीट कर दिया, फिर ये वाला इसको भी डिलीट कर दिया, अब ये इतना सही लग रहा है। अब बात आती है स्लो फास्ट मोशन की, तो आपको देखना कि कैसा वीडियो प्ले करते हैं। तो ये यहाँ पर मुझे थोड़ा स्लो करना होगा क्योंकि कभी भी हीरो की एंट्री स्लो मोशन में होती है, तो मैं यहाँ पे अपने फिल्म का यानी कि अपने वीडियो का तो हीरो ही हूँ ना, आप भी अपने वीडियो के हीरो ही होंगे, तो आपको यहाँ पर स्लो करना है। देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो यहाँ पर थोड़ा कट करके मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ना आपको थोड़ा जूम करना है क्योंकि जूम से थोड़ा हीरो दिखना भी चाहिए ना, तो ये देख लो फिर से। और एक चीज़ आप लोग को शायद पता होगा कि अगर ये देख रहे हो आप मैं वीडियो प्ले करता हूँ तो जूम तो होता है, फिर उसके बाद जूम आउट होता है, तो ये किस लिए होता है, यहाँ पर जो क्रॉप का बटन है अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ दोनों को जोड़ देता हूँ तो इससे जूम नहीं मतलब सेफ रुक जाएगा, दिखाता हूँ आपको, तो ये जैसा था वैसा ही रह गया, अगर मैं इस पर एक साइड का रखता हूँ तो ये जूम आउट होता है, देखिए, तो आप समझ गए होंगे, अगर आप समझदार होंगे तो जरूर समझ गए होंगे, तो बस ये था, इसमें थोड़ा ऐड करना है ट्रांजिशन, इसमें ऐड करना ज़रूर क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब पे सेम नहीं, ये थोड़ा स्लो होना चाहिए क्योंकि जब भी आप चलते हो वॉकिंग करते हो तो आपको स्लो मोशन सही रहेगा। तो ये जो ट्रांजिशन है उसकी उसमें आपको एक ऑडियो साउंड भी इफेक्ट यानी कि अगर आप ऐड करते हो जो साए करके आता है वो अगर आप ऐड करते हो तो उसे आपका अच्छा लगता है, तो मैंने पीछे ये ऐड किया था, तो उस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको ये लेफ्ट साइड में डिलीट वाला बटन के नीचे जो दिख रहा है उस पर क्लिक करके डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट पर जाने के बाद किधर गया, सीधे आपको ले जाना है वहाँ जहाँ पर आपको ये साउंड, अरे यार हाँ एक सेकेंड, इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, फिर आपको सिनेमैटिक शॉर्ट्स वाला जो म्यूजिक होता है वो आपको सर्च करना है यूट्यूब पे नो कॉपीराइट और उसको डाउनलोड करके लाना है, तो मैं आपको वैसे ही दिखाता हूँ, एडिट करना है, फिर आपको बीच में ट्रांजिशन करना बता ही दिया, और उसके बाद अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह का जो लिंक होता है वो आप अगर आप ऐड करना चाहते हो तो लेयर पे जाना है, लेयर पे जाने के बाद आपको इमेज में जाना है, इमेज में जाने के बाद आपने जो इंस्टाग्राम का लोगो डाउनलोड किया है वो लोगो आपको यहाँ से सेलेक्ट करके ऐड कर लेना है, जैसे कि मेरा ये PNG है इंस्टाग्राम लोगो का, तो वो मैं ऐसे करके यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो देखिए ये हो गया, तो बस आपको इस तरह से सिनेमैटिक एडिट करना है और ब्लॉग को भी आप ऐसे एडिट कर सकते हो। फिर अब बात आती है सेव करने का, एक्सपोर्ट करने का, तो इसी तरीके से आप दो तीन बार में मतलब सीख जाओगे, अगर दो तीन बार अगर आप सही से एडिट करते हो तो आप इस वीडियो को देखकर आप एडिट कर सकते हो, अच्छे से आपका एडिट हो जाएगा, उसके बाद आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको जाना है ये जो सबसे ऊपर राइट साइड में दिख रहा है उस एरो वाले पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करना है जो आपको दिख रहा है सबसे लास्ट का जो वीडियो है अभी एडिट हुआ है वो आपको इस पे क्लिक करना है, और उससे पहले आपको क्लिक करके प्ले करके देख लेना है कि कहीं पे कोई दिक्कत तो गलत तो नहीं है, यानी कि कहीं पे कुछ छोटा तो नहीं है, मिस्टेक तो नहीं हुआ है, उस पे आपको क्लिक कर लेना है, देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख लेते हो अगर कोई मिस्टेक है तो आप फिर यहाँ से एडिट कर सकते हो, लेकिन अगर एक्सपोर्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको
एडिट करने में फिर से मतलब दिक्कत होगा, फिर एक्सपोर्ट करने में जो टाइम लगेगा वो वेस्ट हो जाएगा। तो जब ये मेरा सही है तो फिर जो शेयर का बटन दिख रहा है सबसे राइट साइड में डिलीट, फिर उसके बाद तीन बटन दिख रहा है, फिर उसके बाद शेयर वाला जो ये दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से जो आप करना चाहते हो। क्वालिटी HD 1440 पिक्सल है और ये 1080 पिक्सल है, तो ये ही सही है 1080 पिक्सल का। और यहाँ पर आप दो में से एक को चुन सकते हो, 25 PL एंड फोर क्या है 24 सिनेमा, तो मैं ये रखता हूँ सिनेमा रखता हूँ। और उसके बाद आपको एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट होने में आपको वही 10 से 12 मिनट लगेगा, 10 से 15 मिनट के आसपास, और फिर एक्सपोर्ट हो जाएगा। बस ऐसे ही मैं एडिट करता हूँ और एक्स्ट्रा दो तीन चीज़ कुछ है जो आप खुद से भी ऐड कर सकते हो, और बाकी आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो आपका भी सही हो जाएगा। और अगर कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो कैसा लगा वो भी आप लिखना नीचे, लाइक ज़रूर कर देना, और एक या दो ऐसे हैं जो डिसलाइक करते हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरी वीडियोज ना देखें तो सही रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।